पीछे, क्या कोई आतंकवादी साजिश, कोई आतंकवादी प्लानिंग थी या कोई आपसी झगड़े का मामला था? अब लारे हाशमी का कहना है कि उसका कंडक्टर से झगड़ा हुआ था, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। हालांकि वो बार बार अपने बयान बदल रहा था और कह रहा है कि कंडक्टर से झगड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसने चौपर से हमला किया और खुद वीडियो बनाया भागते आनंद फानंद में, और उसने धार्मिक जिहाद का जो एक सोच दुनिया के सामने रखी, वो तो कुछ और ही कहता है, क्योंकि वो साक्ष्य सबूत सबके सामने है। लेकिन अब कह रहा है कि सब लोग हंस रहे थे तो गुस्सा आ गया लारे बाश में। लेकिन सवाल ये है कि जब सभी लोग हंस रहे थे और गुस्सा आ गया, तो क्या चौपड़ लेकर आया था पहले से, प्लानिंग थी, या फिर एकाएक चौपड़ उसने रखा हुआ था? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जाति सूचक शब्द बोल दिए, हमको नहीं बोले थे, वो दूसरे लोग से बोल रहे थे पब्लिकली, तो सब हंस रहे थे। अच्छा, इसी वजह से। नहीं, मारने की इरादा था क्या जान से? नहीं, हम तो सोचे थे कि खाली मतलब कुछ बोलेंगे बस ऐसे, उस वक्त गुस्सा चढ़ गया। जो नारे वारे लगा रहे थे कहां से देखे थे? ये उनके लिए नहीं था। किसके लिए था? बस ऐसे सर, जो मतलब जो गुस्ताख लोग थे उनके लिए गुस्सा चढ़ा था, तो उनके लिए बोले थे। तो लारेब की नजर में गुस्ताख लोग कौन है? चलिए, प्रयागराज कांड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का रुख बेहद ही सख्त है। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि इस मामले में सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी, जो भी आरोपी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक का। ये जो बगल में तस्वीर दिखा रहे हैं, हमले के बाद लारेब किस तरह से भाग रहा था, उसके बाद से उसके हाथ में ये चौपड़ देख सकते हैं साफ तौर पर, और जो बस में लोग बैठे थे, आसपास बैठे थे, उन्होंने वीडियो बनाया था। और इससे बड़ा सबूत तो कोई हो ही नहीं सकता जब ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है और बता रहा है कि हमने हमला कर दिया है। तो प्रयागराज में जो घटना हुई दर्दनाक, उसको लेकर एटीएस भी लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जीरो टॉलरेंस है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।